हौसला ना छड़ी, दिन फिर मुड़ आउणगे हौसला ना छड़ी। तो सारी दुनिया लड़ रही है तो मेरा भी ये फर्ज बनता भी मैं भी लड़ना इहदे नाल। यूथ नूं तां धक्के नाल घरे वाड़ना पिया पुलिस वाले नूं, यूथ नहीं टलदा अपना, वह पूरा बाहर आया, पूरा जुझारू है यूथ। बॉलीवुड की सबसे अच्छी अदाकार आपको कौन? आलिया भट्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। आज संवाद दिनेश के साथ कार्यक्रम में आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के एक उम्दा कलाकारों में उनका नाम गिना जाता है। यार अनमुल्ले, गोलक, गगनी, बैंक ते बटुआ, लाइए जे यारियां, आरएसवीपी और डैडी कूल मुंडे फूल जैसी बेहतरीन पंजाबी फिल्मों में अपनी कलाकारी का जौहर दिखा चुके हरीश वर्मा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार हरीश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। हरीश जी, सबसे पहले हम दर्शकों से ये जानना चाहेंगे कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में इतनी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है कि सबको बहुत एनर्जेटिक रखती है अपने आप में, तो ये कोरोना काल में जिस तरह से ये बंदी हुई तो खुद इंडस्ट्री ने अपने आप को कैसे एनर्जेटिक रखा? सर पंजाबी शुरू एक्चुअली देखो क्योंकि ये किसे एक शहर या किसी एक देश से नहीं सीगा यह संकट सेगा जड़ा कोविड 19 का, यह सारी दुनिया से सी। सो एक्चुअली मैनू लगता वो एक एक तरह नाल स्ट्रेंथ भी सीगी जो आप देखते सी ना, क्योंकि जदों कोविड 19 दे जो रिजल्ट सेगे उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए कह दिता गया कि यार हुण लॉकडाउन हो गया, हुण बाहर नहीं निकलना, सारे काम बंद हो गए, तो वो एक अंदर स्ट्रेंथ सी कि ठीक है ये सिर्फ मेरे नाल नहीं हो रहा, सारी दुनिया ते संकट है तो सारी दुनिया लड़ रही है तो मेरा भी ये फर्ज बनता भी मैं भी लड़ना ये, मैं भी स्ट्रोंग होकर यदा सामना करना। उही क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट होने तो पहला इंसान है तो वह इंस्पायर दूजे तो ही हुंदा। मैं लगता साढ़े मैं खुद भी यही सोचता हुंदा सी कि यार ये मेरे ते थोड़ी आया संकट कल्ले ते, सारी दुनिया ते, जे सारी दुनिया जूझ रही है तो मेरा भी फर्ज बनता कि मैं लड़ा इस। सो मेरे ख्याल च उही एक विल पावर सी कि निकल आवांगे उस तो बाहर छेती। सो ऐसे तरीके नाल सारे आर्टिस्ट। हरीश जी, मुझे याद आया कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक सॉन्ग बनाया था, एनकरेजिंग सॉन्ग था जिसमें वो इंस्पायर कर रहे थे कोरोना से फाइट के लिए। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का मुझे याद है कि एक सॉन्ग आया था, वो क्या था वो सॉन्ग? उसका नाम सेगा जी हौसला ना छड्डी। ओके। हाँ, वो बड़ा मीनिंगफुल सॉन्ग सेगा, बड़ा इंस्पायरिंग सॉन्ग सेगा। एंड पाली भुपिंदर जी जो कि मतलब जिन्होंने मैंने फोन किया कि इस गाने च पार्ट तू भी कर दे तो वधिया होगा, क्योंकि लोग पीपल लुक अप टू यू, जिहड़े यूथ है वो देखते ने भी जिहड़े पसंद करते ने उन्होंने असर पैंदा ना, गल उनके एक फॉलोअरशिप होती है। हाँ जी, अगर वो फिर उन्होंने असर पैंदा तो मैं क्या नहीं डेफिनेटली एक कि मैं 10 गाने करने तैयार हाँ, तो उन्होंने मैंने यहाँ लाइन्स दित्तियां हौसला ना छड्डी दिन फिर मुड़ आउणगे हौसला ना छड्डी। तो ये आपने सभी अपने अपने घरों में कहते हैं और उस दौरान जिस तरह से आपने बस वीडियो अपना शूट घर पे किया, घरे रह के ते वीडियो शूट करके, मतलब दो दो लाइन सारे नु सीगे, उस कई कलाकार सीगे, कई डायरेक्टर सीगे, राइटर सीगे, हर किसे फील्ड नाल जुड़े हुए बंदे, एस मतलब कैटेगरी नाल जुड़े। हरीश जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं थे, हाँ जी, और आप काफी सालों से अब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा और किस तरह से आज आप इस मकाम तक पहुंचे, या कभी कोई हताशा हुई है ड्यूरिंग कोविड? पूछ दो या पूरा? नहीं, पूरा आपका जो करियर है। अच्छा, नहीं देखो की है कि मैं मेरा कोई भी परिवार का मैंबर इस फील्ड च नहीं सेगा। मैं थिएटर ज्वाइन किया जो मैं कॉलेज सी, इट वॉज रियली टफ, बहुत औखा सेगा क्योंकि मैं बेसिकली सिंगर के तौर पर नहीं सी आया इंडस्ट्री है ना। फिल्म अपने इतने उदो शुरू हुई सी बननिया दोबारा तो 2009 10 पहली फिल्म आई सी मेरी यार अनमुल्ले। फिल्म ने बहुत ज़्यादा रिकोगनीशन दी, और जट टिंका जिहड़ा करैक्टर सेगा उन्हें बहुत पछाण दी। उत्थे तक पहुँचने का सफ़र बड़ा औखा रहा, ईवन यार अनमुल्ले तो बाद अज तक भी मतलब वो जिहड़ा वो जिहड़ी जद्दोजहद है, वो स्ट्रगल है टू फाइंड अ गुड स्क्रिप्ट। डैडी कूल मुंडे फूल में आपने अमरिंदर सिंह के साथ काम किया, जसविंदर भल्ला जैसे सीनियर कलाकार थे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, वो बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस है जी, अमरिंदर गिल भाजी होर भी भल्ला साहब नाल भी मैं इन्हों देखता रहा, इन्हों काम का मैं बड़ा फैन रहा। अमरिंदर भाजी जिन्ने वधिया कलाकार ने उन्ने वधिया इंसान भी ने। सो उन्हां नाल पहली बारी मिलना, पहली बारी काम करना वो बहुत खूबसूरत सी। भल्ला साहब जसविंदर भल्ला जी वो साढ़े
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਈ ਉਧਰ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ RSVP, ਰੋਂਦੇ RSVP ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੇ, ਰਾਈਟ, ਨੀਰੂ ਜੀ ਬਾਜਵਾ, ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਦਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਸਤ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਯਾਰਨ ਮੁੱਲੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਾਰਨ ਮੁੱਲੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਡੈਡੀ ਕੂਲ ਮੁੰਡੇ ਫੂਲ 'ਚ ਵੀ, ਬਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਪਿੱਛੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮੈਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਉਸ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਬ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਰ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਾ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਬੇਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਕਾਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੈਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਜੈਸੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਭੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਸੇ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਜਾਏ। ਕਭੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁਆ ਹੋ ਜਬ ਆਪ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਆਪ ਲੋਗ ਹਸੀ ਮਾਹੌਲ ਮੇਂ ਹੀ ਰਹਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ? ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਲਾਈਟ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਟ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਿਲਣਸਾਰ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬੀ ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ, ਈਵਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੈ ਲਾਈਏ ਜੇ ਯਾਰੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਆਈ ਲਵ ਦੈਟ ਮੂਵੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਛੱਡ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਫਿਲਮ। ਉਸ ਆਊਟ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਨੀਵ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਕੀ ਮੂਵੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਯਾਰਨ ਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ? ਉਸ 'ਚ ਜੀ ਯੁਵਰਾਜ ਹੰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਯਾਰਨ ਮੁੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਗਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਬਿਊ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਸਲੀਨ ਸਲੈਚ ਔਰ ਨਿਕੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਸੁੱਖੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਮੇ ਕੁਛ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਮੂਵੀ ਸੀ ਉਸ ਕੁਛ ਰਿਟਰਨ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਹੋਗਾ ਰਿਟਰਨ ਇਸ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਟੋਰੀ ਡਿਫਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ, ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ, ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਧਿਕਤਰ ਸ਼ੂਟ ਇਸਕਾ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ। ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਦਸ਼ਕ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਥੋੜਾ ਸਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪੜੇ ਹੈ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰਸ, ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ
जांच हैगी है। सो मैनू लगता यह रीज़न है कि उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि यार कमी केड़ी है, अजे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। हुण जिद्दां फिल्मां कुछ बहुत खूबसूरत बनियां, मैं एक दा की नाम लवां, सारियां ही जिहड़ियां कल्चर बेस्ड सीगियां अपनियां, वो बड़ियां सोहणियां सोहणियां फिल्मां ने ते पंजाबी जुबान नूं बड़ा तरजीह मैं दित्ती तो है। दे रहे हैं। जल्दी से बताइए हाँ जी, सबसे बेस्ट पंजाबी को एक्ट्रेस आज तक। को एक्ट्रेस सब तो बेस्ट पंजाबी को एक्ट्रेस जिधर काम करके मैंने लगा कि यार ये बेस्ट एक्ट्रेस है। अच्छा, आप तो सोच लिया आपने इतनी देर में तो सर वो मैंने फिर इतनी सारी हैं, इतनी सारी इतनी फिर भी लेकिन जिससे सबसे कंफर्ट या दो लर्निंग अच्छी रही हो करके आपके जी उसके साथ। तसल्ली हुई है, मतलब एक्टर के तौर पर भाई हाँ मैं जो एक्ट करता सी वो मैं बकायदा जी मिलता सी फीडबैक। एक रूपी गिल जिन्होंने नाल मैं लाइए जी आ रही की, एक सिमी चाल जिन्होंने नाल मैं गोलक बुगी गोलक बैंक से बबली बटुआ की, या नीरू बाजवा जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस आपका? नीरू बाजवा जी बहुत एक्सपीरियंस ने, वो सीनियर कलाकार ने, उन्होंने नाल डेफिनेटली काम करके बड़ा वधिया लगा मैंने, बड़ा किसके साथ सीखा। दोबारा करना चाहेंगे काम? सर मैं आज जेडे पहला नहीं, दो कभी नाल जहन में एक बार आता हो कि अरे लर्निंग अच्छी होगी या एक्सपीरियंस अच्छा है उनका, तो अगर कैमरा शेयर करेंगे तो सर एक अच्छा एक्सपीरियंस ब्लॉग एक्सपीरियंस है बस्टर कि बन ना सकती है। वो जदों वो कैरेक्टर नू फड़ के जदों जो भी कोई परफॉर्म करता ना फिर थानू उदों समझ ला जांदा कि यार हाँ ये एक्टर जिहड़ा है ना ये इहदा आईक्यू लेवल वधिया है, ये अंडरस्टैंड करता। मैं जेडी भी वधिया एक्टर दे नाल काम करना चाहूंगा। अच्छा, ये आपने एक डिप्लोमेटिक आंसर डिप्लोमेटिक दे नहीं, दिया कि डिप्लोमेटिक सभी तो नहीं है एक्टर्स के साथ। सर, बॉलीवुड की सबसे अच्छी अदाकार आपको कौन लगती आलिया है? भट्ट। उनके साथ भविष्य में आप चाहेंगे कि हाँ काम भी जी करना? हाँ सर, मैं आलिया भट्ट होरां नाल जरूर काम करना चाहूंगा कोई खास बात? क्योंकि सर, बहुत क्योंकि भी वो पूरी एक्टर बहुत ज़्यादा कमाल है, या मैनू उन्हां दा काम बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस उम्र में, छोटी उम्र में हाँ उन्होंने जिस संजीदगी से बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स उन्होंने निभाए हैं, वो शायद। जी, वो सर उन्हां दा जो परफॉर्मेंस दा जो हैगा ना लेवल वो बहुत ज़्यादा। 10 सालों के आपके फिल्मी सफर में कभी आपको लगा हो किसी फिल्म के दौरान कोई आपके साथ नाइटमेयर ऐसा हुआ हो कि अरे ये मेरे साथ क्यों हो गया? हाँ हुआ है, मैं जिद्दां हुण कुछ फिल्मां कीतियां मैं कहना ये मेरे नाल क्यों होया, मैं क्यों कीतियां। हाँ मैनू होया, बट मैं वो इस गल नू लैके पछताया नहीं हैगा, इस गल नू लैके मैं अंडरस्टैंड जरूर कीता है, मैं लर्न जरूर कीता है। अच्छा एक गल होर है मैं इत्थे कहना चाहुंदा है कि समटाइम्स की हुंदा है कि तुसीं इंतजार करते हो, तुसीं कहिंदे हो कि नहीं यार आ ठीक नहीं लग रही यार, वो पोटेंशियल नहीं हैगा, बट एक वक्त इहो जिहा हुंदा है क्योंकि साडियां कड़ा हुण मतलब ना तो मैं अखाड़े लाउंदा ना मेरियां मिलां चलदियां ने, आही मेरा ब्रेड एंड बटर है। सो मैनू एक वक्त इहो जिहा जदों मैनू चूज़ करनी पैंदी है नोइंगली कि यार मतलब इहनू कोशिश करांगे वधिया बनाउण दी, बाकी हुण बाबा रखवाला। आपके जहन में कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप सोचते हैं कि कभी आपको प्रपोजल मिले या आप कभी खुद बनाएं उस थीम के ऊपर? हाँ जी सर, मैं मेरा ना एक्चुअली मैनू लगता जो जॉनरा हैगा वो हैगा रोमांटिक फिल्मां वाल नू, जस्ट थोड़ा जिहा लाइट रोमांटिक फिल्मां, तो उन्हां दे उत्ते आप कोशिश कर रहा हूँ मैं, कुछ स्क्रिप्ट कुछ हैगे ने आइडियाज़ जिन्हों नू मैं अपने कुछ दोस्त हैगे ने मेरे जो बहुत वधिया लिखते ने उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार लिख दो कुछ इहो जिहा लिख दो, सो दैट उन्होंने फिर मैं अपना जिन्ना भी मेरा एक्सपीरियंस है या मेरी समझ है उस हिसाब नाल बनाने की कोशिश करूँगा, तो एंड आई उसमें ट्राई माई बेस्ट कि वधिया एक्ट्रेस बने। सोची है आपने उसमें? हाँ अभी सोच कहानी ली बन रही है, सोच ली है जी, सोच लिए हाँ जी, अभी डिस्क्लोज नहीं कुछ करेंगे, नहीं मैं दसदा। पर ये तय है कि पर मतलब वो काफी हद तक एक्ट्रेस, वो ऐसे एक्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है वो मेरे नाल करना चाहती है कि नहीं फिल्म। डायरेक्टर्स के साथ आपका कैसा अनुभव रहता है अधिकतर जब आप करते हैं, क्योंकि सर सेट पे तो वो ही ड्राइव देते हैं हर चीज हाँ को। जी मेरा उन्होंने नाल वधिया एक्सपीरियंस रहता, हुण हुंदा की है कि समटाइम्स मैं 99 च थिएटर करना शुरू किया सी, आई वाज वेरी यंग, मैं उदों दा बहुत मतलब डिगदा ढहंदा सिखदा, वो फिर मैं एक इहो जी जगह ते पहुंचे जिथे मैनू ए लगता है कि यार मैं शायद इस नू बैटर सजेशन दे सकदा, फिर मैं अपने वालों 100% सजेशन दिन्ना, वो उन्हां दी मर्जी हुंदी है रखनी है नहीं रखनी, ते अदरवाइज जो वो कहिंदे ने मैं उही करदा सर। हरी जी, जब यूथ बड़े पर्दे पर देखता है कि हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, बड़े स्टंट हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और बड़ी बड़ी बातें हैं और जी बहुत लग्जरी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ रुझान ले लेता है, आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री में एंट्री करना या अपने आप को स्टैब्लिश करना किस पैमाने की मेहनत मैनू की देखो जाती हर है? एक दी अपनी अपनी लाइफ जर्नी है या टूवर्ड्स देयर गोल, हर एक दी अपनी अपनी जर्नी होंगी, मेरी जर्नी बड़ी टफ रही है, मैनू इन्ना पता है कि मेरे लिए टफ सी एंड इट्स स्टिल टफ, क्योंकि हर फिल्म दे नाल प्रूव करना पैंदा। जो यूथ मतलब जो अधिकतर इंस्पायर होता है कि मैंने
चलो ना भी पढ़े लिखे तो हम कम से कम गाना गा लेंगे या एक्टिंग कर लेंगे तो चले जाएंगे, तो आपको लगता है कि ये इतना इजी है चीज़ों में चले जाना? इजी सर इतना है ना, हुण देखो मतलब इजी तो नहीं हैगा। हाँ ये है कि तुसी कोई गाना गाने हो सकता वो चल जाए, बहुत ज़्यादा चल जाए। जे तुसी लकी हो तो टीम थोड़े को वधिया है फिर वो फिल्म भी चल जाती है। इट्स ऑल अबाउट लक मैं लगता। इसमें जैसे सपोज हम देखते हैं कि जब आप अब फिल्म इंडस्ट्री अकेली थिएटर के लिए नहीं रह गई है, सोशल मीडिया पे भी उसका प्रमोशन और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री भी इसका एक अच्छा फ़ायदा उठाएगी या आप उठा रही है? सर सोशल मीडिया का होंदा ही है क्योंकि लोग देखते हैं थानू, बट मेरी एक दिक्कत है कि मैं सोशल मीडिया से एक्टिव नहीं रह पाता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। मेरा जो एक अंदरों होंदा है कि चल यार मैं 2 दिन लगातार फोटो पा देना जो कोई खबर शेयर कर देना, उस तो बाद मैं फिर होंगे कि चलो ठीक है इट्स फाइन, तो वह फायदा तो होंगे ही होना। तो इसका पर्पज़ ये है कि आप सोशल मीडिया से जानबूझ के दूर रहते हैं, समाओ आप कंफर्टेबल नहीं है सोशल मीडिया से? हाँ मैं एक्चुअली मैं ना इस डिलेमा च रहना हमेशा कि यार मैं फोटो पावा अपने बारे दसा या आ चीज़ा बाहर लियाँ कि ना लियाँ, मैं अपने तक रखा उस च रहना मैं हमेशा, मेरी थोड़ी जा रिजर्वड है थोड़ा काम। 10 सालों से ऊपर आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में हो चुका पंजाबी है। फिल्मों च तो नहीं होया क्योंकि इस तो पहला मैं टेलीविजन भी करता सी, 2009 तो लेके 12 तक मैं टीवी किया एक्टिंग में मान लेते कैलेक्शन हैं कि आपका एक्टिंग। जहाँ 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, यूथ के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहना जिदा एक्टर बनना चाहते हो सो बेस बहुत जरूरी होंगे, बेस बनाने लिए मेरे ख्याल से थिएटर कर लेना चाहिए एंड लिटरेचर पढ़ लेना चाहिए, बहुत मैटर करता है जिन्ना पढ़ांगे लिटरेचर, क्योंकि थोड़ा जिन्ना पढ़ांगे एक्चुअली है ना स्टोरीज या जो भी लिटरेचर से अपन मिले, कोई भी लिटरेचर नॉट इवन पंजाबी हिंदी इंग्लिश जेड़ा भी हाथ लगता पढ़ लीए, वो विजन ब्रॉड हों, इमेजिनेशन बनती है। कोरोना काल में यूथ किस तरह से आगे बढ़ के आया है, क्योंकि यूथ में अपनी एक इम्यूनिटी सिस्टम या जो पावर अपने एक लेवल की होती है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। यूथ तो बड़े चंगे तरीके आया सर, तुम्हें पता नहीं देखे नहीं पंजाब च, मतलब यूथ ने तो धक्के घर वाड़ना पे पुलिस वाले यूथ नहीं टलता अपना, वो पूरा बाहर आया पूरा जुझारू है यूथ। पंजाब का यूथ जुझारू है और बहुत दमदार है, ये था कहना। हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में हरीश वर्मा जी का, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट हरीश वर्मा आज हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कोरोना काल में पंजाबी इंडस्ट्री ने किस तरह से लोगों के साथ मिलकर इसे फाइट करने में और इसके प्रति जागरूक करने में जो भूमिका निभाई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस आज साझा किए। फिर से मुलाकात होगी किसी मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।